देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूँ नीलम। तो आज है संडे और आज मैं बताने वाली हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन बेस्ट हेयर ऑयल जो कि आपके हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल में और साथ ही अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा बिल्कुल डल हो गए तो इसमें बहुत ये आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि खास तौर से ये ऑयल उनके लिए है जिनके कि हेयर फॉल हो रहे हैं और साथ ही अगर उनके हेयर में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं कि मैंने आज क्या स्पेशल मैजिकल हेयर ऑयल बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि संडे के दिन मैं कुछ ना कुछ ऑयल बनाती रहती हूँ, अपने हेयर में जरूर अप्लाई करती हूँ। पूरे डे मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, मैं संडे के दिन अलग अलग ऑयल को अप्लाई करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक ऑयल बनाकर खुद से ही अप्लाई करती हूँ। तो आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे बाल कितने सिल्की, कितने लॉन्ग, कितने शाइनी हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके पास भी इतना सुंदर हेयर हो और आप जो हैं, जो टेंशन हुई आपको कि डेंड्रफ हो गए हैं, हेयर फॉल हो रही है, साथ ही हमारे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, बाल जो हमारे हैं वो सिल्की नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपकी दूर होगी संडे के हेयर मसाज से यानी चंपी से। तो चलिए देखते हैं कि आज मैंने चंपी करने के लिए कौन सा तेल तैयार किया है अपने बालों के लिए। लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट तो करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग भी फर्स्ट टाइम मुझे देखते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं बताती हूँ बहुत ही यूनिक और अच्छी वीडियोस जो आपके लिए होंगे बहुत ही यूजफुल। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के तेल को देख लेते हैं कि आज का मैजिकल जो तेल हमारा है वो कौन सा है। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। आज जो तेल लिया है मैंने वो है सबसे पहले फिगारो का तेल यानी जैतून का तेल। तो जैतून का तेल हम इसमें लेंगे, क्वांटिटी अपने हेयर के लेंथ के अनुसार ही ले लें। तो मैं वन टी करके सारे ऑयल को एकदम एक बराबर ही लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी बादाम का तेल। बादाम का तेल आप 3-4 ड्रॉप ही डालें। उसके बाद इसमें जो मैं ऑयल डालूँगी वो होगा कोकोनट ऑयल। ये मैंने यहाँ पे पैरासूट कोकोनट ऑयल लिया है, वैसे आपके पास जो ऑयल है आप डाल सकती हैं। तो ये यहाँ पे हम लेंगे 2 स्पून। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई के कैप्सूल। यहाँ पे मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स लिए हैं जो कि हमारे हेयर फॉल में खास तौर से बहुत हेल्प करते हैं इनको रोकने में, और ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत ही बेस्ट हैं। ये देखें, अब इसमें जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए कितना फायदेमंद है ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एलोवेरा जेल को हम 2 स्पून के लगभग लेंगे इस तरह, और इनको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इनको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे इस तरह। ये ऑयल अगर आप अप्लाई करती हैं, इसे आपको डेली डेली अप्लाई नहीं करना है, आप अगर वीक में एक बार भी इसको अप्लाई करती हैं अपने हेयर में तो आपके हेयर फॉल की समस्या, साथ ही आपके जो हेयर बिल्कुल बेजान हो गए हैं उसमें ये आपके हेयर को सिल्की बनाएगा, साथ ही आपके डैंड्रफ इससे रिमूव होंगे और आपका हेयर लॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका हेयर इससे। ये बहुत ही अच्छा सीरम है हमारे बालों के लिए। इसे अगर आप नाइट के टाइम अप्लाई करती हैं तो और भी बेस्ट है, नहीं तो कम से कम अपने बालों पे इसे 2 से 3 घंटे के लिए लगा रहने देते। चलिए, जब इस तेल को हम बालों में अप्लाई करेंगे तो हमेशा मैं आपको ये बात बताती हूँ कि बालों में अप्लाई करने से पहले अपने बाल को अच्छी तरह कॉम कर लें, अच्छी तरह आपके बाल शैम्पू होना चाहिए, क्लीन होने चाहिए, क्योंकि जो हम अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं या कोई भी पैक लगा रहे हैं या कुछ भी, तो वो हमारे बालों में उसके अच्छे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इसके लिए आपको अपने बालों को बिल्कुल क्लीन रखना होगा। तो मैंने कॉम कर लिया है अपने बालों में, आप देख सकती हैं कोई भी रिंकल नहीं है मेरे बालों में, सॉरी रिंकल कहाँ जाएगा, कोई भी लम्स नहीं है मेरे बालों में, आप देख सकती हैं। तो चलिए यहाँ से हम अप्लाई करते हैं इसको, रूट से लेकर लेंथ तक अच्छी तरह अपने बालों में हम अप्लाई करेंगे बहुत ही अच्छी तरह। एलोवेरा जेल जानती है कि अपने बालों में अप्लाई करने से हमारे बाल जो हैं, जो हमारे जिनके बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं खासतौर से, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसमें मैंने विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, ये आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम को रोकेगा, साथ ही हेयर ग्रोथ में बहुत ही फायदेमंद होता है ये, आपको बहुत ही फर्क नजर आएगा जब इसे आप अप्लाई करेंगी। तो
अगर आपके बाल बहुत ही रूखे बहुत ही बेजान है तो इस तेल को आप चाहें तो आप बना के और एक बोतल में डाल के रख सकती हैं, और इसे वीक में 2 से 3 बार अपने बालों पे आप अप्लाई करें तो आपके बालों में बहुत जल्द इसका फर्क नजर आएगा। क्योंकि हम कोई भी पैक लगा ले, जब तक कि हम बालों में ऑयल अप्लाई नहीं करेंगे, ऑयल मसाज नहीं करेंगे, तो हमारे बाल जो हैं वो स्मूथ नहीं हो पाएंगे, सिल्की नहीं हो पाएंगे, हेयर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप रूट से लेंथ तक सारे में अपने बालों में अच्छी तरह अप्लाई करने से ये बालों के लिए नाइट के लिए बहुत अच्छा सीरम है। साथ ही इसमें अगर आप लगाती हैं तो बहुत ही अच्छा है, और सुबह आप इसे नॉर्मल शैम्पू से आप शैम्पू भी कर लें तो आपको बहुत फर्क नजर आएगा। आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, मुलायम हो जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि उनके हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इस ऑयल को आप लगाइए तो आपको कोई और तेल लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा इसमें कस्टर्ड ऑयल मिला सकती हैं, क्योंकि वो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अभी मैंने कैस्टर ऑयल इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे हेयर ग्रोथ के लिए लगानी नहीं थी, इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया उसे। अपने बालों में अच्छी तरह हम अप्लाई कर लेंगे इस तेल को, रूट से लेंथ तक अच्छी तरह अप्लाई होना चाहिए ताकि आपके बाल जो हैं सारे बालों में इसके बेनिफिट्स आ सके अच्छी तरह। अगर हम अपने बालों का अच्छी तरह ध्यान नहीं रखेंगे, अच्छी तरह केयर नहीं करेंगे, तो इसमें क्या होता है, असमय सफेदी आना आम बात है। क्योंकि अभी मेरे बाल हैं जो बिल्कुल काले हैं, मैं अपने बालों को एक्चुअली हाईलाइट कराई हूँ क्योंकि मुझे पसंद है हाईलाइट कराना, इस वजह से। नहीं तो मेरे बाल में कोई सफेदी नहीं है, मेरे बाल व्हाइट नहीं है, मेरे बाल बहुत ही सिल्की है, आपने देखा होगा। क्योंकि मेरे बाल हमेशा से नेचुरल है, मेरे बाल हमेशा से मेरे बाल सिल्की हैं, और मेरे बाल में हेयर फॉल एक्चुअली मुझे कभी नहीं होता है। बहुत कम हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम, एक्चुअली मुझे हेयर फॉल थोड़ा बहुत हो रहा था। क्योंकि ऐसे लोग कहते हैं कि उस टाइम में ये जो हमारा हेयर फॉल है वो होता ही होता है, लेकिन फिर बाद में वो कंट्रोल हो गया था। साथ ही पानी भी चेंज होते रहता है, उससे भी होता है। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपसे मैं कहूँगी कि आप डॉक्टर से परामर्श लें, और नहीं तो बहुत होता है कि पानी जो हमारा होता है उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आप ज़्यादा हेयर फॉल अगर आपकी हो रही है तो आप एक बार करके पानी से कुछ दिन इसे वॉश करके देखें तो आपको फर्क नजर आएगा जरूर। क्योंकि बीच में मेरे भी हेयर बहुत ज़्यादा जगह जब मैंने चेंज किया था तो उस वजह से हेयर फॉल शुरू हो गए थे। तो क्योंकि मैं अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ तो इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं पानी चेंज करके देखती हूँ। फिर मैंने पानी से एक्वागार्ड से अपने हेयर को क्लीन किया तो मैंने देखा कि मेरे जो हेयर फॉल है खुद पे रुक गए। तो ये होता है क्योंकि बहुत सारे कारणों से हेयर फॉल हमारा होता है, हम अच्छे से देखभाल नहीं करें बालों का तो उससे भी हेयर फॉल होता है हमारा। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह अपने बालों में पूरे तेल को अप्लाई कर लिया है, इस तरह। अब इनको हम अच्छी तरह मसाज करेंगे क्योंकि बालों में चम्पी बहुत जरूरी है। मसाज तो कम से कम आपको 5 मिनट्स तो करने ही करने हैं। ऑयल लगाने के बाद मसाज आप जरूर करें, टाइम निकाल के इत्मीनान से। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप आराम से बैठ जाइए, टीवी चला लीजिए, कुछ भी करके हेयर का मसाज आप अच्छी तरह कीजिए। क्योंकि रूट में इस तरह मसाज करने से हमारे ओपन पोर्स जो हैं, सॉरी, स्कैल्प के ओपन पोर्स ओपन होते हैं, और साथ ही हमारा जो हेयर है उसमें तेल हमारा जो है अंदर तक सूख जाता है, जिससे कि हमारे बालों को बहुत ही बेनिफिट्स मिलते हैं, इससे फ़ायदा पहुंचता है बालों को बहुत। और जब नेक्स्ट डे आप बालों को अपने धोएंगी, वॉश करेंगी, तो आप देखेंगे कि आपके बालों में फ़र्क नज़र आया है। आपके बाल जो हैं वो सुंदर लग रहे हैं, थोड़े से सिल्की लग रहे हैं। अगर आपको फर्क नजर आए तो आप अपने बालों में इस जो हमारा तेल है उसे कंटिन्यू आप लगा सकती हैं।
अगर आप चाहें तो आप इसे, मैंने बताया है कि आप इसे अच्छे से इन सभी को मिक्सचर को ज़्यादा मात्रा में बना के और बोतल में डाल के और आप इसे फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपको लगाना हो आप इसे फ्रिज से निकालिए और अपने हेयर में अप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह देखिए मैंने अपने बालों को अच्छी तरह मसाज कर लिया है। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है कॉम, क्योंकि मैं हर बार कॉम ही भूल जाती हूँ तो बहुत लोगों के कंप्लेंट आते हैं कि मैंने कॉम नहीं किया। एक मिनट तो ये मैं कॉम करते वक्त हमेशा ऐसे चौड़े मुंह वाले कंग से ही अपना कॉम करे और इन्हें अच्छी तरह हल्के हल्के हाथों से कॉम करे। बहुत खींचते हुए कॉम नहीं करे, आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों पे आप कॉम करें। देखिए वैसे मेरे जो बाल हैं वो लसते नहीं हैं, इस वजह से इजी तरीके से कॉम हो जाते हैं मेरे बाल। फिर टीथ को प्रेस करते हुए कॉम करना है, इससे हमारे हेयर के ब्लड सर्कुलेशन तेज होंगे। ये देखिए आपने देखा कि मेरे हेयर एक भी नहीं इस तरह टूट रहे हैं। और इसके बाद दूसरे साइड में हम थोड़ा सा कॉम कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह बालों को अपने कॉम कर लिया है, मतलब से आप देख सकती हैं बाल मेरे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सूझे हुए हेयर हैं इस तरह, क्योंकि मेरे बाल बहुत उलझते नहीं हैं, लम्स बहुत मेरे हेयर में नहीं है, इसलिए मेरे बाल जल्दी सुलझ जाते हैं। तो इसी तरह अब इसका मैं क्या करूँगी, क्या तो आप बन बना लीजिए या आप चोटी बना लीजिए ढीली ढीली सी और इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन अगर आप चाहें तो आप इसको ठंडे पानी से, बिल्कुल नॉर्मल पानी से एक्चुअली वॉश कर लीजिए, नॉर्मल शैम्पू से, डेलीवेयर में जो आप शैम्पू लगाती हैं उससे। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कॉम कर लेते हैं, सॉरी एक बन बना लेते हैं। तो ये देखिए बन मैंने बना लिया है, अब ये पूरे रात ऐसे ही रहेगा। मॉर्निंग में मैं इसको शैम्पू से वॉश कर लूँगी, इसी तरह आप भी करें। तो अपने बालों पे मैं आपसे, उन लोगों से खासतौर से कहूँगी जिनको हेयर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिनके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे हैं, हेयर सिल्की नहीं है, उलझते हैं बहुत ज़्यादा बाल उनके, जिनके बाल रुखे बेजान हैं, वो इस तेल को बना के और अप्लाई कीजिए अपने बालों में, आपको जल्दी फर्क नज़र आएगा। और साथ ही आप अपने बालों को सिर्फ तेल लगाने से ही आपके बाल सही नहीं होंगे, ये आपके लिए इसको अपने डाइट पर, अपने सोने पर, अपने उठने पर, बैठने पर, खाने पर, रहने सहने हर तरीके को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हर जो हमारा रूटीन है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर हम अपने बॉडी का, अपने रूटीन का अच्छे से ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। तो चलिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो बाल सिल्की कैसे होते हैं आपको पता नहीं चलेगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह नई यूनिक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।